गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा आठवीं विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग दो पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 20 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दुबे का छपरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री हनुमत दुबे और माता का नाम श्रीमती ज्योति गली था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। आचार्य द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इसके बाद में 1923 में विद्याध्ययन के लिए काशी आए। 1927 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1930 में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। 8 नवंबर 1930 से शांति निकेतन में द्विजी ने हिंदी अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1979 को दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, बानभट्टी की आत्मकथा एक उपन्यास है, अशोक के फूल निबंध संग्रह है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो बच्चों, इनका जो निबंध है क्या निराश हुआ जाए, यह निबंध एक श्रेष्ठ निबंध है और इसमें लेखक ने यह दर्शाने का प्रयास जो किया है कि समाज में या जीवन के जो महान मूल्य है, ईमानदारी है, सच्चाई है, प्रेम भाव है, परोपकार है, दया करुणा आदि ऐसे भाव जो है वो भाव समाज का एक आधार है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, परिवर्तित होती रहे, लेकिन उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। साथ ही लेखक ने एक बात पर संकेत किया है कि जीवन में अच्छे और बुरे काम करने वाले लोग हमें मिलते हैं, सभी प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं, परंतु हमें जो अच्छे काम करने वाले जो लोग हैं उनको देखकर जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए और जो अच्छाइयां हैं उनको उजागर करते रहना चाहिए। गद्यांश एक, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पत्र भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है पर है उनमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को चढ़ा बढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय चिंता का विषय है। इसमें लेखक कहते हैं वर्तमान परिस्थितियों में कि आज के समय में फैले हुए जो ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हैं। आजकल के समाचार पत्रों में ऐसी खबरें पढ़कर लेखक को लगता है कि आदमी एक दूसरे पर विश्वास करने से रोकता है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ बुराइयां हैं, अच्छाइयां का नाम ही नहीं है।
एक दूसरे पर हम आरोप और प्रत्यारोप करते रहते हैं, ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, मात्र बुराई ही बची है, ऐसे लगने लगता है। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, लोग उस पर विश्वास नहीं करते, बल्कि हमेशा अपने दोषी देखते हैं। जब उनकी किसी के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, अर्थात किसी की भी किसी भी बात पर अपना पक्ष नहीं रखता है या किसी से कोई व्यवहार नहीं रखता है, वो इस दुनिया में सुखी है। लोगों को आदत हो गई कि हर आदमी में बुराई खोजने की, एक लोगों में आदत बन गई है कि बुराई खोजने की, उसके द्वारा किए गए अच्छे कामों को ध्यान में न रखकर उसमें अवगुणों को ही चढ़ा पढ़ाकर दिखाया जाने लगा है। हम उन अच्छाइयों को उजागर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बुराइयों को ही बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो यह निश्चय चिंता का विषय है, यह लेखक ने यहां पर बताया है। गद्यांश, दूसरे गद्यांश में ध्यान दीजिए, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जैसे महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहन में डूबे? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूखी गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों का सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीड़ और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बच्चों, पाठ का सार इस प्रकार है, जब गद्यांश इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, क्या इसी भारतवर्ष की कल्पना हमारे महान नेताओं ने की थी जिसका सपना लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी ने देखा था? लेखक ने आजकल भारत की स्थिति के बारे में सवाल उठाया कि यह महात्मा गांधी का भारत है, क्या यह तिलक का भारत है? ऐसा लगता है कि पुराने समय में जो इंसानियत और मानवता बची थी वो अब कहीं नहीं दिखाई देती। हमारा जो पुरातन भारत था, आर्य समाज, द्रविड़ समाज, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय परंपराओं की उनके आदर्शों की मिलन भूमि भारत थी। लेखक को यह बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या यही वही महात्मा जी का भारत है जिसकी लोग मिसाल देते थे। लेखक ने कहा है कि मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारे महान मनुष्यों ने जो सपना देखा था भारत का वो वैसा है और वो रहेगा। समाज में आसपास के कई ईमानदार व्यक्ति पीस रहे हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि वह समाज पीसे जा रहे हैं, शोषण का शिकार होते जा रहे हैं और धोखे का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसे स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था जो है वो हिलने लगी। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रहों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत ही बुरा चरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें सदा संयम के बंधन में से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसमें लेखक ये बताने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन भारत में लोग
भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं की वस्तुओं को एकत्रित करने को करने में ज्यादा महत्व नहीं देते। वे व्यक्ति के गुणों को महत्व देते थे, उसकी अच्छाइयों को महत्व देते थे, उसके उनके दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है उन गुणों को महत्व देते थे। आंतरिक गुण जो है वो स्थित भाव से बैठा है, अर्थात सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी की भावना उसके अंत तक जानी है। और यही बात प्रिय लगती है, हम यही देखते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी अच्छाइयों को हम याद किया जाता है, उसके कर्म ही उसकी पहचान होती है। व्यक्ति के संस्कार, लालच की भावना, काम क्रोध की भावना उसके व्यवहार में जो झलकती है वह स्वाभाविक रूप से ही मनुष्य के अंदर आते हैं। पर उन्हें मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना यह बहुत बुरा व्यवहार है। बच्चों, भारतवर्ष में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी जैसे अच्छाइयों को ही महत्व दिया जाता रहा है। जिस तरह भूखे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बीमार के लिए जितनी दवा जरूरी है उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, गुमराह पर चल निकले उन्हें ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों को महत्व देना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं की जाना चाहिए। लेखक यही कहना चाहते हैं, चाह रहे हैं कि हमें अच्छाई और एक सच्चाई के रास्ते पर हमें चलना चाहिए और किसी की बुराइयों को उजागर हमें नहीं करना चाहिए। अगले गद्यांश में वह यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कड़े कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति की आर्थिक अधिक उन्नत और सुचारू बनाने से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों का इन कार्यों में मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसमें लेखक यह कहते हैं कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उनके हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, कृषि हो, उद्योग हो, वाणिज्य हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, हर स्थिति को उन्नत प्रगत बनाने का, बेहतर बनाने के और सुचारू रूप से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया। इन कार्यों में जो भी लोग लगे हुए हैं यह जरूरी कि उनका सबका मन सब पवित्र हो, अच्छे और सच्चाई के रास्ते पर चले, उनमें भी कहीं ना कहीं कमियां विद्यमान होती हैं। वे अपने लोभ लालच और काम क्रोध की भावना से ग्रस्त है। ऐसे लोग अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा पर क्या करते हैं, अधिक ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म विरुद्ध है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इसलिए भारतवर्ष में कानून को जो धर्म की तरफ माना गया है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। जबकि एक जमाना था कि जब लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे और धर्म अर्थात सच्चाई, ईमानदार, परोपकार की भावना से बढ़ते और एक दूसरे के लिए वे लोग जो है वो कार्य करते थे, एक दूसरे को समाज में एक दूसरे को सहायता करते थे। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता लेकिन कानून को दिया जा सकता है। कानून में कुछ ऐसे दावपेच रहते हैं कि लोग दूसरे के साथ धोखा और कानून को अपने हाथ में लेकर अपने स्वार्थ को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में धोखा नहीं दिया जा सकता है। धर्म को लेखक ने माना है सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग, जो अधर्म करने वाले लोग हैं वो कानून में छोटी मोटी कमियां रही हैं उनका लाभ उठाने में जरा सा भी हिचकिचाते नहीं है, संकोच नहीं करते। वे अपने स्वार्थ का सर्वप्रथम महत्व देते हैं, उनका ही फायदा होना चाहिए, दूसरे के साथ अन्याय क्यों न हो जाए वे कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, ताकि सोचना चाहिए।
अगला गद्यांश, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अब यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवाएं, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। बच्चों, समाज में, ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता है, भीतर ही भीतर भारतवर्ष भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अभी भी भारत में लोग धर्म पर विश्वास रखते हैं, धर्म कानून से बहुत बड़ी चीज है, इस बात को महत्व देते हैं। जो धार्मिक लोग हैं, जिनमें सेवा भाव है, ईमानदार व्यक्ति हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वे किसी न किसी दबाव में जरूर आ गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। पूरी तरह से उनके अंदर से अच्छाई नष्ट नहीं हुई, वे कम जरूर हुई है। आज भी प्रेम की भावना उसके अंदर विद्यमान है, महिलाओं का सम्मान करते हैं। आज की दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं। हर व्यक्ति इस बात को, इस सच्चाई को महसूस करता है कि दुनिया ही में से सच्चाई अभी खत्म नहीं हुई है, कम अवश्य हुई है। आज भी सच्चाई, ईमानदारी पर चलने वाले लोग मौजूद हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार, बुराई के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं, हम समझते हैं जो हो रहा है सब गलत हो रहा है और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा हम कम करना चाहते हैं जिसने गलत तरीके से धन मान गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यह सब जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, सच्चाई, अन्य गुणों का होना बहुत ही जरूरी है। यही व्यक्ति के अंत तक जाती है और इन्हीं को याद करते हैं। आगे चलते बच्चों, अगले गद्यांश में, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एक मात्रा करते हुए मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है कि लोगों के द्वारा किए गए कर्म और कामों का भेद खुलना, उनके दोषों को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों को सच्चाई से अवगत होना चाहिए। उन्हें यह जानकारी होना चाहिए कि किस तरह का दोष उसने किया है। बुराई तब मालूम होती है तब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके, किसी के द्वारा किए गए व्यवहार के गलत पक्ष को जब आनंद लेकर उजागर करते हैं तब दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात होती है। कि किसी के गलत आचरण जब किसी बुराई तब मालूम होती है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उजागर करके, किसी के द्वारा किए गए व्यवहार के गलत पक्ष को आनंद लेकर उजागर कर। एक बार रेलवे स्टेशन पर लेखक ने ऐसी ही दो घटनाओं का जिक्र किया गया है। पहली जो घटना है, ध्यान दीजिएगा, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट वालों उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। एक बार लेखक ऐसे कहीं जा रहे थे तो जल्दबाजी में वे जाए टिकट काउंटर पर, उन्होंने
टिकट लिए, जल्दबाजी में उन्होंने 10 की जगह 100 रुपए का नोट दे दिया, दिल्ली में बैठ गए, लेकिन टिकट बाबू को बेचैनी होने लगी, इस आदमी ने 100 का नोट दिया है, इसको तो हमें 90 रुपए लौटाने हैं। और वह हर डिब्बे में लेकर को ढूंढते हुए देख रहे थे ताकि उनके पैसे लौटा सके। टिकट बाबू ने पहचान लिया, टिकट बाबू एक ईमानदार व्यक्ति था, रखने को वह 90 रुपए अपने हिस्से में रख सकते थे। और लेखक को याद भी नहीं था कि उन्होंने कितने पैसे दिए, लेकिन वो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए उसने उसके पैसे लौटाने चाहे, 90 रुपए वापस कर दिए। अब जाकर उसे संतोष हुआ कि उसने किसी के पैसे नहीं रखे, ऐसे ही नहीं रखे, लेखक समाचार पत्रों में देखते थे तो ऐसा लगता था कि समाज में सच्चाई और ईमानदारी अभी भी बची हुई है। इसलिए वह हैरान है कि आज भी कहीं ना कहीं सच्चाई और ईमानदारी जो है खत्म होने गए है, वो बची हुई। अगला प्रश्न, कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह घटना कई और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन तो विश्वास है कि अभी भी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी बची हुई है, मौजूद है, हमारे आसपास ऐसी अनेक ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी कल्पना हम कभी भी नहीं करते हैं या नहीं की जाती हैं, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं, यह जो घटना है, यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली थी। जब लेखक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और उन्हें टिकट बाबू ने पैसे लौटा दिए, अपनी सच्चाई और ईमानदारी का सबूत प्रमाण प्रस्तुत किया, यह सब देखकर लेखक को विश्वास है कि दुनिया में कहीं न कहीं सच्चाई और ईमानदारी मौजूद है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, लेखक दूसरी घटना का जिक्र कर रहे हैं, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे, बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी, किसने कहा यार डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। बच्चों, लेखक एक और घटना का जिक्र करते हैं, उनके साथ उनकी पत्नी 3 बच्चे यात्रा कर रहे थे, उस बस में कुछ खराबी आ गई, खराबी के कारण वो रुक रुक चल रही थी, रास्ते में जंगल पड़ता था, सुनसान रास्ता था, कोई आवाजाही नहीं थी, रात का समय था, अंधेरा हो चुका था। बस जब रुक गई तो यात्रियों में घबराहट होना स्वाभाविक, कंडक्टर उतर गया, एक साइकिल लेकर चलता बना। जब यात्रियों ने उस कंडक्टर को देखा कि कंडक्टर उतर कर अपनी साइकिल लेकर कहीं चला गया है, उनमें बेचैनी होने लगी, उन्हें शक हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब तरह तरह की बातें लोग शुरू करने लगे, किसी ने पुरानी घटना का जिक्र किया कि 2 दिन पहले इस तरह से बस को लूटा गया था, लेखक अपने बारे में कह रहे हैं कि वे ही एक व्यक्ति था जो अकेला था अपने परिवार के साथ, उनके बच्चे भूख प्यास से चिल्ला रहे थे, आसपास कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी और ऊपर से डकैतियों का डर दिल में समा गया था। अगला अध्यांश, कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया, ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, जब लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतना घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए, कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहां भेज दिया है। बस में जो यात्री थे, कुछ यात्री नौजवानों ने
ड्राइवर को चलो जबरदस्ती पूछा जाए। ड्राइवर ने डर कर लेखक को अपने मदद के लिए पुकारा, कहा कि कंडक्टर कोई जरूर उपाय लेकर आएगा, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी या फिर कोई अन्य साधन के लिए उपस्थित हो जाएगा, कृपा हमें माफ करें। उन्होंने लेखक से गुजारिश की कि मुझे इन लोगों से बचाइए, कहीं ये मुझे मार न डाले। ड्राइवर की हालत देखकर उन्हें भी उस पर दया आ गई और उन्होंने यात्रियों को समझाना शुरू कर दिया कि अब मारपीट का समय नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। यात्री पूरी तरह से डरे हुए थे, वे कहने लगे कि इनके बातों इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है, ऐसे ही घटनी कुछ दिन पहले हुई है। कंडक्टर साइकिल लेकर निकला है, वो अपने डाकुओं मित्रों के साथ मिला हुआ है, उनके पास गया है और उन्हें अभी लेकर आता होगा। ऐसे सभी यात्री जो है आपस में बातचीत करने लगे। आगे लेखक बता रहे हैं अगले अध्यायों में, मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। दो घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिरने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बात बस पर बैठी है, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया हूँ और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया हूँ, यात्रियों में फिर जाना है। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो इसमें लेखक ये बता रहे हैं कि कंडक्टर जो है वो अपने चोर डकैत मित्रों को लेने गया है, ऐसे भी बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ड्राइवर यही कर रहा था मदद के लिए, ड्राइवर को लेकर मैंने मारपीट से बचाया, इसमें डेढ़ दो घंटे मिल गए। लेखक और उनके परिवार की बुरी हालत हो गई थी, लोगों ने ड्राइवर को बस से उतार कर एक जगह घेर के रखा था कि ये कहीं भी भाग न जाए। लेखक ने मुझे रोकने का बहुत प्रयास किया, तभी एक नई बस आती दिखी और उसमें कंडक्टर बैठा था। उसने यात्रियों से नई बस में बैठने को कहा क्योंकि वो बस खराब हो चुकी थी। कंडक्टर सिर्फ बस ही नहीं लेकर आया था, बच्चों के लिए कुछ पानी और थोड़ा सा दूध लेकर भी आया था। जब कंडक्टर साइकिल लेके बस जब जा रहा था, उसने नजारा देख लिया था कि अंधेरे रात में बच्चे घबराए हुए थे, भूख प्यास से बिलगा रहे, तड़प रहे थे, इसलिए उनके लिए दूध लेकर आया। यात्रियों ने उसका धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर सुरक्षित पहुंच गए। तो लेखक अगले गद्यांश में कहते हैं, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक कहने लगे, ये दोनों घटनाओं को देखकर उन्हें यह लगा कि ये सब घटनाएं देखकर लेखक को विश्वास हो गया कि दुनिया में अभी भी लोगों में ईमानदारी बची हुई है। जैसे कंडक्टर है, टिकट बाबू है, ऐसे ही लोग और भी हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे का दुख जो है देख नहीं सकते, उनको मदद करने के लिए वे दौड़े चले आते हैं। यह विश्वास लेखक को यहां पर हो गया। लेखक अंतिम गद्यांश में कहते हैं, ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है।
निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, दुखाई खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारत वर्ष को पाने की संभावना बली हुई है, बली रहेगी। अंत में लेखक कहते हैं, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं कि मैंने लोगों ने लेकिन के साथ धोखा भी किया है, पूरी घटनाएं हुई है। अगर उन्हीं को याद अगर हम लोग करते रहेंगे तो हमारा जीवन जीना कठिन हो जाएगा। जिनमें धोखा काया है तो जीवन कष्ट देने वाला हो जाएगा, जीवन को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत ही कम मिलती हैं। जब लोगों ने बिना कारण सहायता की, लोगों ने बिना कारण सहायता की, अपना स्वार्थ भूलकर वह आगे बढ़े हो और हमारी मदद की हो, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। जब हमारे मन को निराशा में घेर लिया तो ऐसे व्यक्ति जो सामने आए उन्होंने तसल्ली भी दिलाई, हिम्मत बनाई हमारी कि आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। जो बिना सोचे समझे, बिना लाभ नुकसान के लोगों की मदद करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी इनकी प्रार्थना में, उन्होंने अपनी कविता में प्रार्थना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि मेरे जीवन में चाहे लाख कठिनाई आए और परेशानियां आई, दुख तकलीफ आई, लेकिन उनको कम न कर मुझे सिर्फ इतना शक्ति देना जिन्हें मैं अपने साहस से, अपने परिश्रम से उस पर सफलता पाऊं और तुम पर मैं जरा भी संदेह न करूं। यहां पर ईश्वर पर संदेह न करने की बात की है, तुम पर मेरा विश्वास बना रहे, ऐसा ईश्वर में उनका विश्वास बना रहे, ऐसी शक्ति दो। यह प्रार्थना में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने मनुष्य के बनाए हुए तरह तरह के जो तरीके हैं वे गलत प्रमाण ला रहे हैं, तो इन्हें बदलना ही होगा। कुछ परिस्थितियों में हम देखते हैं कि मनुष्य ने जो तौर तरीके बनाए हैं उनका गलत प्रमाण निकल रहा है, तो इन्हें बदलना आवश्यक है। अगर उम्मीद आशा नहीं की तो किसी का भी जीवन कष्टदायक हो जाएगा। अभी हमारे भारतवर्ष को और तरक्की पानी है और भी साधन और तरीके है जिन पर हमें काम करना है। लेकर कहते हैं कि मेरे मन निराश होने का अब समय नहीं है, निराश होने का अब समय नहीं है, प्रयास करने होंगे, हमें हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, अभी भी बहुत ही संभावनाएं बची हैं। इस प्रकार लेखक ने कहा है कि समाज में सच्चाई, ईमानदारी, दया, करुणा, परोपकार, प्रेम भाव आदि जो महान मूल्य जो है वो मौजूद है, उनका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। धन्यवाद।